मार्केट को हमेशा एक स्विंग हाई बनाने दीजिए। जो मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक हाई लगता है ना, उसके बाद नीचे आएगा तो मुझे पता चल गया कि हाँ मार्केट ने कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी मेजर मेजर हाई कौन सा है, मुझे ये क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनके जो हाई लगता है, हमेशा कोई भी चार्ट ओपन करके आप दिखा देता है आपको, जो एक बार मार्केट जो चलते हुए ट्रेन एक बार निकल गई ना स्टेशन से, तो उस पर आप मत चलिए, एक बार वेट करिए कि एक दिन का हाई लगा दे। हाई का मतलब यह है कि एक रेजिस्टेंस फेस करे, उसके बाद नीचे आए। उससे मुझे ये क्लियर हो गया कि हाँ ये एक मेजर क्या बन गया, ये मेजर एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ये मेरा एक दिन का ये हाई है, मेजर हाई है, दिन का हाई है, ठीक है, जो मेजर आप हाई बोल सकते हो। जब ये क्लियर हो चुका है आपको, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि हाँ ये एक मेजर हाई है, और जो लो होगा इसके नीचे वो मेरा क्या हो जाएगा, मेजर लो होगा, समझ रहे हो। अच्छा ये आसान हो जाएगा, क्योंकि यही तो दोनों चीज चाहिए आपको, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस वो क्या होता है, एक मेजर हाई होता है और एक मेजर लो होता है। तो वेट करिए कि एक मेजर हाई बनने की वेट करिए, जब ये बन जाएंगे उसके बाद जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा, तो मुझे ये क्लियर हो गया कि हाँ ये मेजर हाई है और ये मेजर लो है, और प्राइस इसके अंदर जब तक ये ट्रेड करेगा तो वो माइनर ट्रेंड है, ठीक है। जब उसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ पर बाई ट्रेड ले सकता हूँ। रीजन क्या है, उसने मेजर हाई को ब्रेकआउट दिया, और ये अगर 38% रिटेस्ट करता है तो ऑटोमेटिक आपको इसके ब्रेकआउट पे आपको बाई ट्रेड ऑटोमेटिक आपको इनिशिएट करने हैं। तो इसलिए मेजर हाई बनने दीजिए, उसके बाद आपको जो डिसीजन लेने हैं आप ले लीजिए, ठीक है, उससे क्लियर होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ के बताया, तो आज की बताया, तो मेजर हाई कौन सा बना है बताइए आप जरा। ये 15 मिनट टाइम ये वाला यही है ना, और मेजर लो, वैसे तो मेजर लो तो ये था ना, अभी चल रहा है ना। तो सर। देखिए ब्रेकआउट नहीं दिया, उसको ब्रेक नहीं किया। अब मैं जब ब्रेकआउट उसको देगा, मैं एंट्री लूंगा यहां पर। अब जब ये निकलने के बाद मेजर लो कौन सा, मेजर हाई कौन सा बन गया, ऊपर वाला और मेजर लो नीचे और वाला। मेजर लो मेरा बन गया है ये वाला अभी फिलहाल, ठीक है। यस अब इसके मेजर, इसके लो जब तक तो ब्रेक नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। बट क्या है, इस लेवल पे जब मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, तो अभी इंटरमीडिएट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 1-2-3 बेसिस पर ट्रेड नहीं ले रहा हूं, मैं इंटरमीडिएट जोन पे ले रहा हूँ, जो लेवल के पास है, ये देखिए लेवल के पास है, इससे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। ये ट्रेड मैं यहाँ नहीं लेता, यहाँ लेना रिस्क है, समझ रहे हो, यहाँ लेना रिस्क है, लेवल के पास लो। ये मेरा लेवल निकल के आ रहा है, मेजर हाई का लेवल और नीचे की तरफ मेजर लो का लेवल, समझ में आ गया। यस सर। ये हमेशा इस तरह फॉलो करें रूल को, एक रूल को फॉलो, प्राइजेशन का है, प्राइजेशन में यही चीज इंपॉर्टेंट है, रूल क्या आप यूज करो, मेजर हाई मेजर लो, यही इंपॉर्टेंट है रूल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहां दिखाया था आपको, ये डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे, ये मेजर लो था पहले, उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हाई लगाया, प्राइस नीचे की तरफ आया, क्या वो मेजर लो को ब्रेक किया था उसने, नहीं, नो ठीक सर। है। अब मेरे लिए मेजर हाई कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको ब्रेकआउट देगा मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। यहां मिस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहां मिस हो गया आपसे, ठीक है, मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे की तरफ आएगा। अब जब नीचे की तरफ आ रहा है तो मेजर लो कौन सा शिफ्ट हो गया मेरा, ये ये वाला वाला है ना। अब जब उसको वो ब्रेकआउट देगा मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन ये चीज आप ऊपर फॉलो मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी ये फर्स्ट वेव का सेशन चल रहा है, उसके बाद सेकंड वेव आएगा एंड थर्ड वेव में गड़बड़ हो जाएगा, फिर थर्ड वेव में आप 1-2-3 को फॉलो मत करिए। 1-2-3 को फॉलो करना है बट हर जगह नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, इनिशियल लेवल को फॉलो करिए, लेवल पर, ये लेवल है मेरा, यही तो है ना इनिशियल लेवल, सर। इसके आसपास एंट्री करो आप, और ऊपर की तरफ थर्ड वेव बन जाएगा तो वहां पर मैं पुट के सोचूंगा मैं। इस तरह मेजर आपको निकाल के आता है। आप यहां पर देखिए, यहां पर मेजर लेवल कौन सा था मेरा, 1 मिनट, 1 मिनट, ये देखिए रेंज बाउंड के कहां लोग फंसते हैं, देखिए आप ध्यान से देखना, ऊपर गया ये आया लो है, ये मेजर हाई है, उसको ब्रेकआउट दिया सीधा। अब मेरा मेजर हाई कौन सा बन गया, ये मेजर लो, ये ये उसने यहां तक लगाया, ध्यान से देखो, उसने यहां तक लो लगाया, ऊपर गया, अब क्या उसने इसको ब्रेक किया, नो सर। तो यहां पर कोई ट्रेड बनेगा 1-2-3 बेसिस पर। नो अगर नो सर। मैं 38 को रिटेस्ट में लगा दूंगा, तो उसके भी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, कोई मिला आपको, नहीं मिला, वो पूरा दिन इसी के अंदर घूम गया। तो जो लोग यहां पर ट्रेड करेंगे वो फंसेंगे नहीं, तो क्या करेंगे बताइए आप, सर। फंसेंगे ना। यस सर। प्राइस फॉलो कर रहे हो, देखिए कोई भी इंडिकेटर नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, आपको नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या हुआ था, लो को ब्रेकडाउन दिया,
मेरा आप मेरा कौन सा बन गया 1 पॉइंट, ये यस दो, ठीक है ओके ये हो गया मेरा, ध्यान से सुनना, ये हो गया मेरा पॉइंट। अब मेरे मेजर जो हाई है इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो एक मूवमेंट आएंगे, इसके नीचे प्राइस निकलेगा मूवमेंट आएंगे, और बीच वाला कौन सा होगा माइनर इंटरमीडिएट माइनर ट्रेंड। ओके अब ठीक है, ये हो गया मेन ट्रेंड, ध्यान से सुनना, ये हो गया मेरा मेन ट्रेंड। क्या चल रहा है? मेन ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, ये मेरे मेन ट्रेंड है। इंटरमीडिएट की अगर बात करता हूं तो आज के दिन के, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि दिन का पहला एक हाई लगने दीजिए, उससे डिसाइड होता है प्राइस कहां जाएगा। तो दिन का हाई क्या था? ये एक लो लगाया था, उसके बाद ये हाई लगाया था, तो दिन का हाई लग गया ना। यस सर। अब मेरा डिसाइड हो गया कि ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है आज के लिए, ये आज के करंट मार्केट में लाइव मार्केट के अंदर ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अब जब उसको यहां पर आया नीचे की तरफ, क्या लो को ब्रेक किया? नहीं किया। इसके ऊपर जाएगा तो मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा, यहाँ पे कर सकते हैं 2 बजे के बाद, लेकिन 2 बजे के बाद अलाउ नहीं करता, मतलब प्रिफर नहीं करता मैं। अलाउ तो क्या, कभी कभी 2 बजे का मूवमेंट भी आती है, लेकिन मैं प्रिफर नहीं करता। ये चीज देखिए, अब आप कहोगे यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता था, यहाँ पर जो एंट्री लोगे ये 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा अपना कौन से मेथड से, प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे का, और अपने देखना इनिशियल वीक्स जोन। ओके ठीक है, ये दूसरे मेथड हो जाएगा। Right. तो आपको फॉलो करना है 1 2 3, मतलब आपको जो एडवांस क्लास में जो मेथड बताया था ना आपको कि साइकोलॉजी के लेवल को ब्रेकआउट के बाद किस तरह आपको पुट साइड में व्यू लेना है, किस तरह बनाना है, वन डायरेक्शन मूवमेंट देता है तो आपको किस तरह ट्रेड लेने हैं, इनिशियल जो वीक जोन है जिसको बोलते हैं इनिशियल ट्रेड जोन या वीक जोन, उसके बेसिस पे प्राइस आएगा तो किस तरह आपको ट्रेड लेने हैं, और बताया था 1 2 3 पैटर्न, ये 3-4 चीजें हैं, उसी से आपको ट्रेड लोगे तो और ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ 4-5 चीजों को फॉलो करना। ये मैं आप लोगों को जब पहले तो बताया था, और अलग से मैं क्लास ले लूंगा एक समरी बना के, है ना, समरी बना के क्लास ले लूंगा कि 4 चीजों को किस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पर देखिए पूरा जो साइड रोसरा क्यों साइड रोसरा पैटर्न बन रहा है वो समझ में आ रहा है सर, टाइम फ्रेम बता देंगे, क्योंकि देखिए 9:15 जो मार्केट ओपन होता है, लेकिन एक टाइम लिमिट होता है कि उसमें मूवमेंट बहुत फास्ट आता है और बढ़िया टारगेट मिलता है, पूरा दिन नहीं मिल पाता है, तो आप टाइम जोन बता सकते हैं कि 10 टाइम देखिए 11 बजे से पहले आपको मूवमेंट मिलती है, ध्यान रखना जो मूवमेंट है 11 बजे के पहले मिल जाती है या तो 2 बजे के बाद मिलती है। बीच वाला जो है ये फंसाने वाला जोन है, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा एक्टिवेट नहीं होते, जो कुछ बना चुके थे सुबह के वही रहेंगे, हैं? एक बार 12 बजे भी मिल जाती है, कभी कभार मिल जाती है, कोई न्यूज आते हैं कुछ हो गया वो अलग बात है, बट डेली की बात कर रहे हैं, एवरेज की अगर बात करूंगा तो करीबन 11 बजे के आसपास खत्म हो जाते हैं उसको मोमेंट, एक बार मोमेंट पकड़ लिया ना फिर वो आगे, जैसे ये देखिए मोमेंट पकड़ लिया ना उसके बाद वो आगे करेंगे। सुनिए सर, 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में ट्रेड करना ज्यादा बढ़िया रहेगा? नहीं वो कोई कुछ अलग वो कोई मतलब ये कोई रूल नहीं है कि 10 बजे के बाद ही करिए ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि दिन का पहला एक हाई लगने दीजिए आप, ये हाई आपके 9:30 तक भी लग सकता है, ये हाई आपके 10 बजे तक लग सकता है, ये हाई आपके 11 बजे तक लग सकता है, एक हाई मानने दीजिए। मानने के बाद जब रिट्रेसमेंट करेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आज का जो रेजिस्टेंस है ये है जहां से प्राइस रेजिस्ट कर रहा है, मुझे समझ में आ जाएगा। अब इसके ब्रेकआउट में मैं ट्रेड लूंगा। मार्केट कभी भी वन साइडेड मूवमेंट नहीं देते, जिस दिन वन साइड में मूवमेंट दे दिया तो समझ लेना वो ट्रैप है, वो अगेन वहां तक आएगा, तो अपन को इस टाइप के मूवमेंट को आपको यूज नहीं करना है। आपको करना क्या है, मार्केट का जो बिहेवियर है कि वन साइड मूवमेंट देना नहीं चाहिए, अगर उसको अप ट्रेंड करना है तो क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा रिट्रेस लेगा, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाएगा रिट्रेस लेगा, एनएवएन जाएगा, तो अपन को रिट्रेसमेंट पे या ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने हैं। अपन को बीच में ये जो चलते हुए ना ये अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेने, क्योंकि आपको देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, मार्केट जो चार्ट बनने के बाद सबको दिखता है कि यस यहाँ तक गया है, यहाँ से नीचे आए मैं यहाँ पर कास्ट ट्रेड ले लेता, यहाँ पर गया है यहाँ से नीचे में काश यहाँ पर ट्रेड लेता अच्छा पैसा हो जाता है ना, लेकिन चार्ट जब मार्केट लाइव मार्केट का चार्ट बनते है ना तो ये वाला जो सीन है, ये वाला जो सीन आपको दिख रहा है ना, ये मार्केट चलो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है ठीक है, ये इस तरह बढ़ रहा है, क्या आपको पता है क्या कि इस लेवल से वो गिन जाएगा?
नो सर एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाँ एक रेजिस्टेंस से घूम सकता है, बट एग्जैक्टली वहां से घूमेगा ये तो आपको सबको पता चल जाएगा। तो ठीक है भाई यहाँ तक, वहां तक जाएगा, मैं काफी डिस्टेंस से मैं बाइक कर लेता हूँ, बीच में घुस जाता हूँ, बीच में नहीं घुसना, या तो फिर एंट्री में घुसी आप, क्योंकि ये वहां तक जाएगा तो मुझे आइडिया नहीं है कि कहां तक जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा पहले वो रिवर्स ले ले, तो मुझे आइडिया नहीं। तो मैं अगर मान के चलो यहाँ पे आप सजेस्ट करेंगे कि मार्केट सवानों को जो ओपन होता है तो हम कितना देर वेट करना चाहिए सुरक्षित ट्रेड लेने के लिए, सेफ रहेगा? देखिए सबसे पहले ये है टाइम, यकीन बोलते टाइम यहाँ पर यह नहीं है, ये है कि है कि ये जो आपको पहले एक बार हाई लगने दीजिए, यानी मार्केट एक बार ओपन होता है, हाई लग जाए तो पहले स्विंग लो पकड़ लेने, बस ये है, ये स्विंग लो एंड स्विंग हाई ये आपको पकड़ लेना है, बस इतना है। और ये बस ये आप ध्यान रखना, ये किस तरह का होते हैं, एक बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद मान के चलो यहाँ पर दूसरी बड़ी कैंडल बनती है, ध्यान रखना दूसरी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक रिटेस्ट किया, ये बताया था बेसिक की क्लास में आपको, आज मैं उसको रिपीट करूंगा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, और उसके बाद मान के चलो इस तरह एडजस्ट किया दो केसेस है, दोनों केस में क्या दिख रहा है, यहां पर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहां पर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर तो कोई स्विंग तो लगा नहीं है, यहां पर कोई स्विंग नहीं है, बट यहां पर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहां पर स्विंग लगे हुए, तो ये जो नीचे आ रहा था तो मुझे ये क्लियर हो गया कि हाँ ये मार्केट का आज का हाई है, मुझे पता चल गया कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है मार्केट, इसको फर्स्ट पॉइंट पकड़ सकते हैं ना 1-2-3 का, हाँ बता रहा हूँ ना, आई आई रुकिए बोलो साहब रुकिए आप, है ना। तो ये मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर हाई लगे है, ये एक रेजिस्टेंस फेस मार्केट ने कर रहा है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट किया है, ठीक है। और इस टाइप की भी हो सकते है, यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनती है, रेड कलर की कैंडल बनेगी, वॉल्यूम भी कम होंगे, और यहाँ पर कोई स्विंग तो नहीं है, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मुझे ये समझ में आ चुका है। क्या क्या हो गया मैडम, पहले मार्केट की यस लगने दीजिए पहले, ठीक है। अब ये एक बार लग गया है, एक बार दैट मींस मार्केट को चल रहा है ना, एक बार उसको पोज लेने दीजिए, एक बार रुकने दीजिए मार्केट को, नहीं तो एंट्री कैसे करोगे आप भाई। ट्रेन अगर चलती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में रुकेगी तभी तो आप चलोगे आप, ठीक है। यह थोड़ी कि भाई स्पाइडरमैन की तरह कूद जाओगे, नहीं मैं चल जाऊं मैं जल्दी, है ना, तो चलना नहीं आपको, मार्केट को जा रहा जाने दीजिए, एक बार होल्ड करने दीजिए, रुकने दीजिए। रुकने के बाद या तो इस टाइप का रुकेगा या तो इस टाइप का रुकेगा। रुकने के बाद क्या होता है ना कि आपके जो रिस्क में आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा रिस्क कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये कंटिन्यू आपसे जा रहा है, इस तरह आपसे जा रहा है, तो आप कहाँ पे घुसोगे, यहाँ घुसोगे क्या पता है आपको? एग्जाम्पल आपको और जाता हूँ बढ़िया से, चलिए पहले इसको समझाता हूँ सर, फॉर एग्जाम्पल आपने ठीक है रिस्की हो जाएगा ना, बिल्कुल ये देखिए ना, हाँ ठीक है ये देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए कंटिन्यू आप जा रहे हैं ना, कंटिन्यू इस तरह आप चल रहे हैं, आप बोलोगे यार मार्केट निकल रहा है बुलिश है, एक काम करते हो एंट्री कर लेते हो। आपने कहा किया तुरंत आपने यहाँ पर एंट्री की, फॉर एग्जांपल दो कैंडल निकल गया, आपने यहाँ पर एंट्री किए, मार्केट ने 100 पॉइंट्स का मूवमेंट या 60 पॉइंट 50 पॉइंट मूवमेंट दे दिया, आप थोड़ा सा यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर बाई किए थे या प्रीवियस डे जिन्होंने लो पे बाई किए थे वो क्या करेंगे आप, वो प्रॉफिट में आ जाएंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट वो यहाँ पर करने लगेंगे, तो प्रॉफिट वो जो करने लग जाएंगे अब वो रिट्रेस करेंगे। रिट्रेस कहाँ तक करेगा, या तो वो 50 तक करेगा, या तो 61 तक करेगा, या 30 तक करेगा, ठीक है। जो भी रिट्रेस करेगा, आपने तो यहां पर बाई किए ऐसा लगाकर बैठ गया आपने यहां पर, क्या करेगा रिट्रेस करते ही उड़ा देगा। चलो आपने यहां नहीं लगाया, आपने यहां लगा दिया इसके नीचे, अगर माइचेस को 61 तक आ गया उड़ा देगा, दैट मींस आपके रिस्क के वक्त रिस्क यहां पर कम हो गया ना, स्विंग हाई या स्विंग लो लगने का इंतजार करना चाहिए, इंतजार करिए आप। तो इससे ये क्लियर होता है कि हाँ मेरा मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ है, तो उस रेजिस्टेंस के नीचे सपोर्ट कहाँ है ये मुझे पता होना चाहिए, सपोर्ट कहाँ पर है, ताकि उस सपोर्ट के नीचे मैं ऐसा लगाऊंगा। ऐसा लगाने के मुझे जगह चाहिए ना, मैं तो कहाँ पे ऐसा लगाऊंगा, क्योंकि मार्केट चल रहा है, मैं अगर यहाँ पे घुस जाता हूँ मान के जो एंट्री मार लिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद रिटेस करने लग गया, रिटेस करा तो मेरा तो एसल खाएगा वो, क्योंकि वो मेरे एसल के देख कर नहीं आया, वो नीचे आया अपने रिप्लेसमेंट को करने 38% जो भी है। तो इसलिए ये है कि पहले वो मार्केट रुकने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस है, ये यहाँ पर क्या हुआ था, ये कौन सा केस बताया था, ये वाला ओपनिंग रेंज है ना, बन गया ओपनिंग, उसके में क्या है सिंगल पैटर्न टेस्टिंग है, ये इस टाइप की टेस्टिंग हो सकती है, या यहाँ पर इसके बगल में इसके 2-3 रेड के लिए बन सकती है, दैट मींस यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इस केस में क्या करेगा, जैसे ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, और मेरे एसएल मुझे पता है इतना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है ना, एसएल डिफाइंड हो गया ना मेरा, सपोर्ट ले रहा है, अगर मार्केट को आना है तो इसको पहले ब्रेकडाउन देगा, फिर वो मार्केट आएगा, तब जाके मेरा एसएल हिट होगा, तो मुझे पता चल गया कि सपोर्ट ले रहा है।
यहाँ सेकंड केस में भी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और मार्केट ने यहां से मान के चलो एक बाउंस बैक लेना शुरू किया। तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा तो सपोर्ट कहां पर है? आपको पता है कि सपोर्ट यहां पर है, सपोर्ट दिख रहा है आपको। अगेन अगर मार्केट नीचे आता है तो हो सकता है कि यहां पर अगेन सपोर्ट बना के डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल जाए, तो मैं इस सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे पफर करके एसएल लगाऊंगा। यानी आपके जो एसएल है वो डिफाइंड है पहले से, लेकिन चलते हुए अगर ट्रेन में अगर कोई सपोर्ट डिफाइंड नहीं है, सपोर्ट कहाँ है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा वेट करो आप कि जब मार्केट स्टार्ट होता है एक हाई लगने दीजिए आप, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करें। रिट्रेस आपका इस तरह हो सकता है, ये देखिए इसको बोलते टाइम करेक्शन, इसको बोलते प्राइस करेक्शन, दो टाइप के करेक्शन हो सकते हैं। ये आपको बेसिक क्लास में बताया, बेसिक कोर्स में, ठीक है सर। मतलब ये है कि अगर आप बिगनर हो तो सिंगल कैंडल पे ट्रेड मत करो। नहीं, आप इस पे कर सकते हो, ये वाले पे कर सकते हो, ये आपका टाइम करेक्शन है और ये प्राइस करेक्शन है। दैट मींस एक बार आप रेजिस्ट मार्केट को चल रहे ना, इस तरह चल रहे ना, एक बार रेजिस्ट रुकने दीजिए मार्केट को, रुकने के बाद जब उसको ब्रेक करेगा तब आपको मूवमेंट मिलेंगे आपको। दैट मींस मार्केट स्टार्ट होते ही मत एंट्री करिए, एक बार आप थोड़ा सा प्राइस ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, हो सकता है कि एक कैंडल बनी है, दो कैंडल बनी है, एक बार रुकेगा, रुकने के बाद क्या होगा आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई ये एक रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, चलो 10 मिनट में करता हूँ, ताकि रीजन क्या है थोड़ा सा वो कैंडल आपको थोड़ी सी वो दिखेंगे, मतलब चार्ट आपको ज्यादा दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक रुक गया ना यहाँ पर, तो मुझे पता चल गया कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है, अब उसको ब्रेकआउट लगा मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये मार्केट का हाई बन गया है, ये तो बाद में बना है ना, पहले ये सुबह के मार्केट में हाई बन गया, बनने दीजिए आप। आप जैसे बोल रहे हो ना कि टाइम भाई 9:15 पे शुरू होता है मार्केट, है ना, अब उसके पास टाइम ही टाइम है, 3:15 तक टाइम है उसके पास, तो जितने जल्दीबाजी क्या है, 9:15 हो गए, 9:20 हो गए, 10 बज गए, जल्दबाजी नहीं, अभी भी टाइम पूरा बचा हुआ है आपका पूरा दिन, तो बस उसको हाई को बनने दीजिए। हाई बनने के बाद डिसाइड ये होता है कि मेजर हाई कौन सा है और माइनर हाई कौन सा है, ये मुझे बताया था आपको, एक हाई बनने के बाद मुझे ये डिसाइड होता है कि ये मेरा मेजर हाई है और माइनर जो मेजर लो है वो है, वो डिसाइड हो गया है, ये मेरा मेन रेजिस्टेंस है और ये मेरा मेन सपोर्ट है, इसके बीच में मैं ट्रेड तो नहीं करूंगा। हाँ, छोटे मोटे ट्रेड ले सकता हूं अगर ये रेंज ज्यादा है, ध्यान रखना ये रेंज अगर ज्यादा है तो छोटे मोटे ट्रेड में इंटरेस्ट जोन पे ले सकता हूं, बट 1-2-3 पैटर्न के बेसिस पर नहीं है, दूसरे कुछ पैटर्न हो सकता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट कुछ होगा, वो अलग मैटर है, ठीक है, बट मुझे पहले ये दोनों लेवल बनना चाहिए, ये वाला और ये वाला बनना चाहिए, बनने के बाद डिसाइड हो जाएगा कि हाँ ये मेरा एक मेजर रेजिस्टेंस है और ये मेरा ये मेजर सपोर्ट है। जिस साइड ब्रेकडाउन देगा उस साइड में आग बंद करके 1-2-3 पैटर्न बेसिस पर मैं ट्रेड ले लूंगा। मैं आपको और आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, ये देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है ना, एक मार्केट ने हाई लगाया, एक लो लगाया, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, समझ में आ गया? मैं 10 मिनट का दिखा रहा हूं, 5 मिनट में आपको इस तरह नहीं दिखेगी, 3 मिनट में आपको इस तरह नहीं दिखेगी, आपको 3 मिनट का दिखा दूंगा आपको, ठीक है, और मेरा सपोर्ट हो गया, मेरा मेजर सपोर्ट। यहां पे टेस्ट करने के लिए तो आया ही नहीं, ये मैं 10 मिनट का दिखा रहा हूं आपको, मैं 3 मिनट का 5 मिनट का दोनों का आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ऊपर गया, रेजिस्टेंस किया, नीचे आया, हाई लगने के बाद एक बार देखिए, ये हाई लग गया वहां से मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यही है ना मतलब उसका? तो मेरा ये पॉइंट चाहिए जहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक हाई लगना चाहिए, तो मैं डिफाइन करूंगा ये मेरा लिए एक मेजर हाई है, स्विंग हाई है, ये लगने दीजिए, और मेरा स्विंग लो कहाँ होगा, अभी मेरा स्विंग लो ये चल रहा है, ठीक है, वो वहां से वो ब्रेक किया है, मैं ट्रेड लूंगा, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, मैं ट्रेड लेता नीचे की तरफ, बट इसको बनने दीजिए, इसके बनने में टाइम कितना लगता है, मैं आपको अगर 10 मिनट्स का चार्ट दिखाऊंगा और 10 मिनट का चार्ट ओपन करके आपको दिखाऊंगा इस टाइप के फॉर्मेशन बनने के टाइम कितना लगता है, देखिए कितना टाइम लगा आपका, 20 मिनट, 20 मिनट तो वेट करोगे आप, यहां पर कितना टाइम लगा 3 कैंडल में, और आपको दिखाता हूं टाइम को, देखिए बस यहां पर कितना टाइम लगा, यहां तो एंट्री नहीं मिली आपकी, मिली थी एंट्री? अब आप कहोगे यहां पर एंट्री सर ले रहे था अच्छे पैसे मिल जाते, यहां पर एंट्री लेते अच्छे पैसे मिलते, लेकिन डेली डेली ऐसे मौका नहीं मिलेगा, एक दिन को देख के लोगों के दूसरे दिन आपके चुना लग जाएगा, तो चुना नहीं लगाना है आपको। यहां पर देखिए मेजर हाई क्या था दिन का,
लग गया, ये लो लग गया, अब पूरे दिन उसी के अंदर गया है। अब यहां पर मेजर हाई ब्रेकर का मूवमेंट दिया है, बट मैंने क्या बताया था, कभी कभार इंटरमीडिएट ट्रेड ले सकते हो। ये देखिए इंटरमीडिएट ट्रेड लिया ना मैंने, इंटरमीडिएट ट्रेड किसको देख के लिया था, यहां पर सपोर्ट है और यहां पर बनाया उसने बुलिश एनगल्फिंग, है ना, दिख रहा है। Yes, और इसके बेस में ट्रेड लो, ये इंटरमीडिएट, ये 1-2-3 नहीं है, 1-2-3 सिर्फ मेरा मेजर हाई और मेजर लो को बेसिस पर ही लेना है। अब यहां पर आपने, मैं यहां पर सजेस्ट नहीं करूंगा, यहां पर पुट भी ले सकते हो दूसरे मेथड से, वो मेथड शायद उस दिन आपको समझाया था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं यहां पर सजेस्ट नहीं करूंगा, ले सकते हो पुट दूसरे मेथड से ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ ले सकते हो, एक मिनट, ये 35,000 का अवेलेबल है ना, एक मिनट, ये क्या, ये कौन सा लेवल है, ये 35,000 है ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल, ब्रेक किया साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर रेंज बनाया, होल्ड किया है ना, होल्ड किया, होल्ड किया, और उसके बाद ये देखिए होल्ड करने के बाद यहाँ पर क्या बनाया उसने, बुलिश तीन बार, है ना, लोगों को क्या लगा, अब ऊपर जाएगा क्योंकि उसने रिजेक्शन लिया नीचे से, अब तो ऊपर जाएगा, लो ऊपर नहीं गया। अब इस पार्टिकुलर बुलिश पिन बार, ये भी आपको दिखाया था एक चीज, इस पार्टिकुलर बुलिश कैंडल के ऊपर भी उसने मार्केट गया था। यार ये क्या हो गया, बार बार गलत क्लिक करता है, मैं तो जूम करता हूँ, ध्यान से देखना, जूम कर रहा हूं मैं और इसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखना इस ग्रीन कैंडल के ऊपर प्राइस गया नहीं, क्या बताइए आप, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये देखिए ये है ना, ऐसे लेट हो गए सबके सबके। तो यही चीज मैंने आपको बताया था कि ये दोस्त मार्केट के सिक्रेट है, मार्केट को सिक्रेट को पकड़ लो आप, बाकी आधा रिटेलर से थोड़ा सा दो कदम आपको पहले चलना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, तभी आप कमा पाओगे आप पैसा, ठीक है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर सस्टेन कर दिया, तो मेरा बाई का व्यू, चाहे मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट निकल जाए मैं बाई नहीं करूंगा। अगर 100 पॉइंट निकालने के बाद, ध्यान से सुनना, 100 पॉइंट निकालने के बाद तो वो थोड़ा सा इस तरह आता है और अगेन वो ब्रेकआउट देता है, तब मैं फिर एक ट्रेड ले सकता हूँ, बट मैं ये जो अपसेट जा रहा है, ये जो अपसेट जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, मैं वो बाय नहीं करूंगा क्योंकि मेरा व्यू अलग है। तो एक ट्रेड मैंने क्या बताया था, यहाँ पर ले सकते हो पुट, ठीक है, चलो मिस हो गया। सेकंड आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, इसके बेसिस पे लीजिए आप, तो आपको ट्रेड मिलेंगे। बट मैंने क्या बताया था, पहले हाई को बनने दीजिए, हाई बनने के वेट करिए आप, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंसेगा पैसा। सर एक मिनट, ये जो आपने लेवल बताया 35,000 का, अगर यहाँ पे अगर बाय लेना होता तो मतलब क्या सिनेरियो में लेना चाहिए? ये सिनेरियो ये होगा कि मान के चलो ये एक मेरा एक साइकोलॉजी के लेवल है, ठीक है, इस लेवल को यहाँ पर आएगा, कैसे भी आएगा, आने के बाद यहाँ पर वो इसको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रेंज बनाएगा। अच्छा ओके, यहाँ पर रेंज बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर रेंज बनाएगा, यहाँ रेंज बनाने से नहीं होगा, उसको यहाँ पर रेंज बनाना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। अगर विदाउट इससे ब्रेकआउट देके निकल जाता है, ध्यान रखना, अगर उसको विदाउट टेस्ट रेंज बनाते निकल जाता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा कि प्राइस को एक हाई लगाए, देन अगेन एक लो लगाए, उसके बाद उस हाई को ब्रेक करेगा, तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। डिपेंड करता है कि कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया है, अगर वो 300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया तो ट्रेड नहीं लूंगा, ऑलरेडी 300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया उसने, समझ रहे हो? राइट, समझ गया समझ गया। देखिए लॉजिक हर जगह लगना पड़ेगा। 37,000 शायद नीचे ही रहा सर आज। हाँ देखा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, टाइम भी हो गया, अरे यार ये देखिए एक हाई लग गया, दिन का हाई लग गया, मुझे पता है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा अभी तक मेरा देखिए मेजर लो ये चल रहा है, क्या उसको ब्रेक किया? नहीं सर। तो यहाँ पर ट्रेड करोगे तो क्या होगा, फंसोगे आप, या तो प्रीमियम डीके होंगे या तो कुछ होगा। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है, जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, एक दिन पैसे कमा लिया, कहां पर कमा लिया आपने, इसको देखते हुए, है ना, यहाँ पर इमीडिएटली एंट्री किया, पैसे कमा लिया, बहुत खुश हो गए, है ना, रात को जाके मुंहफुली खाए बैठ के, चलो ठीक है भैया एक दिन पैसे कमा लिया, शानदार आ गया। इस दिन भी आपने इस तरह कमाओगे तो डेली आपके नहीं होगा, तो डिसिप्लिन, इससे क्या होगा ना, ये जो कमाया ना आपने, इससे क्या होगा, डिसिप्लिन आपके मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक दिन कमा लिए यहाँ पर देख के, और सेकंड दिन भी कमा लिया, तो आपके दिमाग में ये बैठेगा कि तीसरा दिन भी इस टाइप का सिनेरियो बैठेगा, फिर दोबारा एंट्री लूंगा, और उस दिन शायद फंस जाओगे, है ना,
तो इसके बढ़िया है कि आपके जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करिए, मेंटेन करिए डिसिप्लिन, तो हमेशा नहीं कभी फंसो नहीं गिरी। पैसे हो सकता है कि उस दिन नहीं बना क्योंकि यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए, लेकिन पैसे तो सेव हो गए ना आपके, है ना। मनी को बचाना ट्रेडर का, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सबसे पहला काम है। पैसे कमाना काम नहीं है, पैसे अपने बन जाएंगे, बस पहले मनी को सेव करना सीखिए आप। जो आपके पास अगर 20,000 है तो उसको सेव तो करिए पहले आप, उसके बाद तो आप फिर 20 को 30 बनाओगे। उसको सेव नहीं करोगे फिर 30 कहां से बनाओगे, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बने, मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने तो नहीं बने। यहाँ पर देखिए एक मेजर हाई कहाँ लगाया, ध्यान से देखिए, मार्केट ओपन हुआ, एक हाई लगाया, लो भी लगाया, हाई भी लगाया, यही हाई था और ये लो था, तो इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा मैं। ये देखो आया ना ब्रेकआउट पे, इसको यहाँ पर सपोर्ट लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये उसका स्विंग हाई था आज का। वैसे देखा जाए तो ये हाई है, ये देखा जाए तो ये हाई है, ये हाई है और ये लो है, बट मैंने क्या बताया था कि आज का भी वो भी देखना पड़ेगा कि आज उसने कहाँ हाई लगाया और उसके बाद कहाँ आया, ये मुझे देखना पड़ेगा। यानी एक बार आज का हाई एक बार बनने दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मार्केट कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये शुरू से ही इतना गिर गया, शुरू से ही गिर गया, तो अब उसके बाद हाई लगने के बाद लो तो लग गया है, लो लग गया है और ये हाई ये था। अब यहाँ पर उसने रेंज बनाया, यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पर 1, 2, 3 के पैटर्न के बेसिस पर कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, रेंज ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो पहले मार्केट को हाई लगने दीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, डेली आपको वेट करिए, एक हाई और एक लो। यहाँ पर क्या हुआ था, क्या लग गया उसका हाई, है ना, और आज का लो क्या है, ये था, और मेन लो क्या है बन के आपने, ये सपोर्ट है, आपको रेंज मिल गया ना आपका, ये है रेजिस्टेंस और ये मेरा सपोर्ट। अब आपकी एंट्री कहाँ होगी, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, दो ही तो जगह है ना, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देगा तो एंट्री यहाँ पर मिलेगी, अगर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर रिजेक्शन लेगा तो एंट्री मुझे पुट साइड के मिलेगी, यही तो होता है। यानी आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा जो है ट्रेडिंग जोन कौन सा है, ये मेरा ट्रेडिंग जोन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज मेजर हाई एंड मेजर लो, ये मेरा रेंज है, इनके बीच में कहीं मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं लूंगा तो लेवल पे ही लूंगा। तो मैं एक सर, अब देखिए लेवल पे आया, प्राइस आएगा जो, ये देखिए आया यहाँ पर सपोर्ट गया तो आगा, तो देखिए एक ही रूल फॉलो कर रहा हूँ मैं, एक ही रूल फॉलो कर रहा हूँ, आप देखिए आप, मैं कोई रूल को चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक ही रूल, ओपन हुआ यहाँ ओपन होता है, एक मेजर हाई है उसका, आज का हाई हो गया, आज का लो क्या बन गया, ये था, और सपोर्ट कहाँ पे बन गया था, ये था, और मेजर सब लो कौन सा है, ये था। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ये मेजर लो, ये मेजर हाई, मेजर हाई। अच्छा, और आज का हाई क्या है, ये भी आज का हाई है, और आज का लो क्या है, ये है, और नीचे क्या है अपना, सपोर्ट है। तो ये जोन मेरा कौन सा हो गया, नो ट्रेडिंग। अरे ये जोन, अच्छा सर सॉरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये कौन सा हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया। अब मुझे ट्रेड कहाँ करना है, इसको ब्रेकआउट देगा बाई जाऊंगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा सेल जाऊंगा, यहाँ से ऊपर जाएगा बाय दूंगा, इसको ब्रेक डाउन देगा मैं सेल करूंगा, बट मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, सर ये मेजर लो तक, ये मेजर लो अगर मान के चलो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेजर लो अगर यहाँ होगा ना, ध्यान रखो, तो मैं इसको ब्रेक डाउन देने के बाद शॉर्ट नहीं करूंगा, समझ में आया, क्यों, यहाँ पर मेजर लो है। तो एक चीज को देखिए, यहाँ पर आप बोलोगे यार सर यहाँ पर तो 1, 2, 3 पैटर्न है, इसको ब्रेक डाउन दिया क्यों नहीं सेल किया, अरे भाई टारगेट कितना है, रिस्क रिवॉर्ड तो देखिए ना आप, छोटा है, ये चीज देखने पर। अब देखिए मैं अभी भी एक रूल फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी सिर्फ 1, 2, 3 और जो चार आपको बताया था ना, 4, 5 आपको जो ट्रेडिंग स्टाइल वो आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं ला रहा हूँ। देखिए आप एक हाई लगाया, क्या बन गया ये, आज का हाई, ये क्या बन गया, आज का लो, ये क्या बन गया अपना, गैप अप का है ना, सपोर्ट है, मेजर लो कौन सा है, ये है। किसी को डाउट है? नो सर। नो। और ये लेवल कौन सा है, थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये लेवल राउंड लेवल, राउंड लेवल। अब इसने क्या किया था सर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया और सस्टेन किया, तो मेरा व्यू क्या होगा, ऊपर गया, नीचे आया, एक स्विंग लो लगाया और ब्रेक कर दिया, रेंज बनता है इसको, इसको रेंज नहीं बोलते,
है ना, रेंज है यहाँ पर ट्रेड करता है। और यहाँ पर देखिए उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर और क्या बताया था आपको, साइकोलॉजी के लेवल पर 1 2 3 पैटर्न फाइंड आउट करिए। फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ पर, ये एक स्विंग, ये स्विंग, ये हाई, अब ये हाई यहाँ पर आप देखिए ये बन गया मेरा पॉइंट, ये गया और ये इसको ब्रेक डाउन दिया, तो इसको ब्रेक डाउन दे दिया ना, तो मेरा पॉइंट 1 और मेरा पॉइंट 2 और उसके बाद पॉइंट 3 और उसके ब्रेक डाउन क्या होगा मेरा सर शॉर्ट, बस टफ है। नो सर, बस आप पता क्या टफ ये है कि उसको फॉलो नहीं करते। yes. एक ही रूल है, मैं सिर्फ मैंने बताया था कि ओनली 4 से 5 टाइप के, बताइए जो शायद आपने जस्ट दिखाया वो तो लगभग 2 बजे के बाद वो मोमेंट आया है, लास्ट कैंडल से वो आ सकता है, 2 बजे के बाद ही आ सकता है, कोई दिक्कत, मैंने बताया था ना कि 2 बजे के बाद आता है या सुबह के 11 बजे के आसपास आता है, पहले आता है और 2 बजे के बाद आता है। जैसे कि ये चार्ट देखिए फर्स्ट में, जहाँ फर्स्ट से ये रेड कैंडल बनी है चार्ट है लगातार, इसमें तो मतलब कहाँ एंट्री नहीं मिल पाएगी, तुरंत ओपन होते ही गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत एंट्री आपको नहीं लेनी, आपको वेट करना है, एक मेजर हाई एक लगने दीजिए और एक लो लगने दीजिए, मुझे पता चलेगा ना कि एक हाई लग गया। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर ओपन हुआ नीचे आया ऊपर गया, उसके बाद सेकंड कैंडल वहां से नीचे गिर गया, दैट मींस एक रेजिस्टेंस गया है। पहले मुझे मार्केट को ओपन होने के बाद एक मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट कहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस कहां से ले रहा है और सपोर्ट कहां ले रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए सपोर्ट कहां ले रहा है। देखिए प्राइस नीचे आया यहां से ऊपर गया, सपोर्ट कहां ले रहा है, ये ये दो पॉइंट, ये दो लेवल पहले बनने दीजिए, मार्केट को बनने दीजिए। टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, नहीं लग रहा है 1 घंटा, ये मुझे पता चल गया है। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 30 मिनट के अंदर मुझे ये क्लियर हो चुका है कि मार्केट का हाई क्या है और लो क्या है, ये हाई लगाया था और ये लो लगाया था, बस उसके बाद आप प्लान करिए, उसके बाद प्लान करिए, आपको पता चल गया कि हाई लग गया, ये लो लग गया है और नीचे की तरफ एक सपोर्ट है, यहाँ पर पिन बार बनते हैं तो उसके ऊपर आप बाई करिए, आपको पता है कि नीचे की तरफ सपोर्ट है तो सपोर्ट के नीचे पैसा लगाइए। आपको यहाँ मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साइकोलॉजिकल लेवल। अब यहाँ पर जब वेट करो कि उसको यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर रेंज बनाएगा, रेंज बना के ब्रेकआउट देता है मैं कॉल लूंगा, लेकिन उसने रेंज बनाया नहीं तो मैं क्या करूंगा, चलो बेटा बिना रेंज बना के ब्रेक किया, चलो मैं वेट करता हूँ पुट के लिए, ट्रेड मिलेंगे। सिंपल सेटअप है जो 4 से 5 आपको बताया था, उसी को फॉलो करिए, डेली बेसिस पे आपको ट्रेड मिलेंगे। हाँ 1 2 दिन नहीं मिल सकते हैं, कभी कभार आपको रेंज बाउंड होते हैं, लेकिन पैसे नहीं डूबेगा, पैसे ऐसे हिट नहीं होंगे, रूल को फॉलो करो ऐसे हिट नहीं होंगे। यहाँ पे क्या रूल है बताइए आप जरा, ये हाई लगाया, ये क्या बना अपना रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या है, डे का लो कौन सा है, डे का लो ये और मेजर, एक सपोर्ट यहाँ बन रहा है और ये मेरा बन रहा है मेजर लो, ये 4 पॉइंट है ना, ये मैं पॉइंट मार्क करूंगा, ये पॉइंट मार्क करूंगा, ये दोनों पॉइंट मार्क कब किया था मैंने, मार्केट ओपन होने से पहले, और मार्केट ओपन होने के बाद ये लेवल को मैंने ड्रॉ किया और मेरा ये लेवल मैंने एक ड्रॉ किया, 2 लेवल ड्रॉ किया, मुझे पता है कि भाई हाँ मार्केट का हाई ये लगा है, मार्केट का लो ये लगा है, एक सपोर्ट ले रहा है। अब प्राइस में यहां तक आएगा, इस लो को ब्रेक करेगा, देखिए आज का लो को ब्रेक करेगा, क्या आप शॉर्ट करोगे यहाँ पर, नो सर, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है ना, यहाँ पे मैं क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मैं बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर बाई करता हूँ, मेरा एसएल कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, यस सर, और मुझे यहाँ तक एक पॉइंट ठीक है 10 मिनट का चार्ट है, एक कम से कम यहां तक मिल गया मुझे 1:2 है ना। अब मैं अगर यहां एंट्री लेता तो मुझे क्या मिलता, 1:2 मिलता मेरा, क्योंकि ऐसा तो आपको यही रखना पड़ेगा दोस्त, ऐसा तो आपको बड़ा हो जाएगा। तो भी बोलता हूं मैं कि हमेशा लेवल जो है उस लेवल के पास ही एंट्री लीजिए, लेवल के दूर मत लीजिए, जो लेवल आपके पहले निकाले पहले लेवल को बनने दीजिए, हाई है और एक लो है, ये बन गया तो आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं भाई आज के मार्केट के उसमें हाई लगा दिया, ये अपर का लेवल है, ये लोअर का लेवल है, उन दोनों लेवल को उसके बेसिस पे मैं ट्रेड करूंगा। तो पहले जब मैं क्लास का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो एक दिन मैं लूंगा क्लास के कि हाउ टू प्लान बैंक निफ्टी ट्रेड बिफोर एंड आफ्टर मार्केट, या कोई इक्विटी स्टॉक में भी किस तरह प्लान करोगे ट्रेड लेने के लिए, वो मैं अलग से क्लास दूंगा और उसी क्लास में जो आज डिस्कस किया था सेम चीज उसी क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है।
रिकॉर्डिंग में छोड़ दीजिए क्योंकि आप देखिए एक घंटे का हो गया ऐसे ही, रिकॉर्डिंग छोड़ दीजिए, मैं अलग से क्लास ले लूंगा इसके ऊपर। सर ये बिना रीटेस्ट करे भागा जा रहा है, 36,000 को भी उसने वो नहीं किया रीटेस्ट, करेगा ना? अभी तो बताया तो था आप लोगों को कि कम से कम जो 37 था 35 तो जाएगा। रीजन क्या है, आपको यहाँ पे बेस बना देता मार्केट में, कहाँ गया बेस, ये देखिए ना बेस, बेस बन गया, बेस मैं लगा कर दिखाया, ये लो बेस बन गया, मैं लो लो हाई लो ये लो, अब देख लो कहाँ तक जाना चाहिए मार्केट का, खुद ही देख लो कहाँ तक जाना चाहिए बताइए, ये लेवल है ना, ये लेवल तो जाना चाहिए प्राइस को, और ये लेवल कौन सा लेवल है, 37,000 के ऊपर है, 38,000 ऊपर है, तो मैंने बताया था ना कि ये 37 से लेकर 37,500 38 तक मैक्सिमम वहां तक जा सकता है, वो आप देखिए जा सकता है, मैंने रीजन क्या बोल रहा हूँ मैं, वहां तक जाएगा। अब वहां जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल उसने वहां पर डबल बटन बना दिया, ध्यान से सुनना, वहां जाने के बाद अगर वो डबल बटन बना देता है और ये 38 का रिट्रेसमेंट होता है यहां से लेके यहां तक, तो समझ लेना वहां पे बेस बन गया है, अब मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा, फिर वहां से निकलेगा, तो पहले वहां तक जाने दीजिए, समझ रहे पॉइंट को, पहले वहां तक जो लेवल बनाया जो बेस बनाया था उस बेस के बेसिस पर पहले वहां तक जाएगा, वहां जाने के बाद तो रिट्रेसमेंट जरूर लेगा, ये रिट्रेसमेंट अगर 38% होता है और ये आप साइकोलॉजी के लेवल आप देख रहे हो 37 का है, यहाँ पर आने के बाद वो एक मान के चलो उसने डबल बटन बनाता है, और आपको मैं बताया था मार्केट के दूसरा सीक्रेट साइकोलॉजी के लेवल पर 38% रिट्रेसमेंट लेगा और डबल बटन बनाएगा तो एक मार्केट के अंदर बेस बन गया, तब जाके मैं कहूंगा कि मार्केट का बेनिफिट जो है अब वो ऑप्शन जाएगा, अब वो 32 का लेवल अभी तक नहीं, अभी नहीं आएगा, फिलहाल नहीं आएगा, वो तब सिनेरियो बनेगा जब यहाँ पर क्या बनता है प्राइस एक्शन उसको। यहाँ पे मैंने कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि आपको बता दूंगा कि यार मंगल ग्रह ये होने वाला वो होने वाला है ना, ये मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, मैं प्राइस एक्शन के डिपेंड करता हूँ, प्राइस एक्शन अभी क्या बन रहा है, अभी बन रहा है वहां तक जाना है प्राइस को, तो बस अभी वहां तक जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद क्या सिस्टम बनाता है, क्या प्राइस एक्शन बनाएगा उसके ऊपर फिर आगे बात करेंगे, जो गैप ओपन हुआ और गैप फिल करने को आएगा ना, कौन सा गैप डाउन ओपन, ये वाला पीछे वाला पीछे, हाँ ये तो हो गया गैप फिल, और कितना गैप फिल कराओगे आप, हो गया गैप फिल, देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 डे टाइम फ्रेम में एक गैप रह गया है, बैंक निफ्टी के अंदर एक गैप रह चुका है, उसको फिल करने आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये आज ही गैप फिल कर ले या इस साल ही गैप फिल कर ले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट आएगा, जो टाइम लग सकता है आएगा जरूर, क्योंकि इतना बड़ा रिट्रेसमेंट दे चुका है, अब यहाँ पर एक गैप रह गया है नो डाउट, नीचे की तरफ रह गया, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा था मैंने एक गैप आएगा जरूर, लेकिन जरूरी नहीं कि इतना जल्दी आ जाएगा, यानी कल आ जाएगा, इस महीने आ जाएगा, इस साल आ जाएगा, जरूरी नहीं, यहाँ पर आने के बाद प्राइस क्या बिहेव करता है, यहाँ पर रिजेक्शन लेगा फिर उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा इसको, तो मैं बोलूंगा कि हाँ अब आएगा, लेकिन अभी तो थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये चार्ट बता रहा है आपको, ठीक है, तो अभी तो काफी टाइम हो गया, मैं आपको एंड करता हूँ, तो कल मैं स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यू, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।